नमस्कार, आप देख रहे हैं कुबेर भूमि और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। बीजापुर पत्रकार कमल शुक्ला के साथ हुई मारपीट और दुर्व्यवहार की घटना को लेकर मंगलवार को बीजापुर प्रेस क्लब ने राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंप अपना विरोध जताया। प्रेस क्लब अध्यक्ष सत्येंद्र पंत के नेतृत्व में पत्रकारों ने SDM डॉक्टर हेमेंद्र बुआर्या को ज्ञापन सौंपा, जिसमें घटना का जिक्र करते हुए दोषियों के विरुद्ध धारा 307 को कायम करते हुए उनकी यथाशीघ्र गिरफ्तारी, कांकेर कलेक्टर और SP को मामले की निष्पक्ष जाँच के लिए त्वरित हटाने, प्रदेश में पत्रकारों से दुर्व्यवहार, मारपीट, राजनीतिक षड्यंत्र के विरुद्ध शीघ्र पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की गई है। घटना पर रोष व्यक्त करते हुए प्रेस क्लब अध्यक्ष सत्येंद्र पंत ने कहा कि कांकेर में जो कुछ भी हुआ वो सीधे तौर पर लोकतंत्र पर हमला है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। महासचिव पुष्पा ने घटना को निंदनीय करार देते हुए कहा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ को बचाए रखने और समाज में स्वस्थ, जिम्मेदार और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आवश्यक है कि प्रदेश में प्राथमिकता से पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो। पूर्व प्रेस क्लब अध्यक्ष गणेश मिश्रा का कहना था कि कमला शुक्ला एक कर्मठ और निष्पक्ष पत्रकार है। कांकेर की घटना के बाद प्रदेश में पत्रकारिता स्वतंत्र है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कायम यह कहना कठिन होगा। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरे मामले में सरकार से जैसी निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद थी उसके अनुरूप कार्रवाई न होने से ये प्रतीत होता है कि अपराधियों को सरकार का संरक्षण प्राप्त है। बावजूद न्याय को लड़ाई लंबी है और प्रदेश भर के पत्रकार इस लड़ाई के लिए तैयार हैं। जब तक कि मामले में निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो जाती, पत्रकार गांधीवादी तरीके से आंदोलनरत रहेंगे। इस दौरान बीजापुर जिले के समस्त पत्रकार मौजूद रहे, सभी ने एक स्वर में पत्रकार कमल शुक्ला को न्याय दिलाने आंदोलनरत रहने का संकल्प भी दोहराया।